ईबीसी या ए प्लस कंटेंट को अमेज़न पे किस तरह अपलोड किया जाता है और कुछ उसके चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस हम इस वीडियो में देखेंगे। ईबीसी या ए प्लस कंटेंट किसी भी लिस्टिंग में अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नीचे जाके नजर आएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में, और आप यहाँ पे देखें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गई है, जिसमें टॉप पर एक हेडर, उसके नीचे कुछ इमेजेस और इंफॉर्मेशन और फिर इमेज दी गई है। इस हिस्से को, इतने हिस्से को हम ईबीसी या ए प्लस कंटेंट कहते हैं। नॉर्मली ईबीसी या ए प्लस कंटेंट सिर्फ वो सेलर कर सकते हैं जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं। इसी की एक दूसरी एग्जांपल देख लें, जहां पे ईबीसी नहीं लगा हुआ, और जिस लिस्टिंग पे ईबीसी नहीं लगा आप देख रहे हैं वहां पे डिस्क्रिप्शन इस तरह लिखी जाती है। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सिंपल लिखना, और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन एचटीएमएल की सूरत में लिखना, जो कि हम अपनी एक और वीडियो में कवर कर चुके हैं, और तीसरी चीज ये है ईबीसी, जो कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ईबीसी सिर्फ वो सेलर जो ब्रांड रजिस्टर्ड है वो ईबीसी या ए प्लस कंटेंट अपने लिस्टिंग के लिए लगा सकते हैं, और जो सेलर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है वो अपनी लिस्टिंग के ऊपर ईबीसी नहीं लगा सकते। अलबत्ता उनके पास एक ऑप्शन जरूर मौजूद होती है, और वो ऑप्शन ये मौजूद होती है कि अगर वो किसी वेंडर सेंट्रल को ले लें, वेंडर सेंट्रल बेसिकली अमेजन के ऊपर जैसे सेलर सेंट्रल होता है इसी तरह एक वेंडर सेंट्रल होता है। वेंडर वो होता है जो अमेजन को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा होता है, जो सेलर, सो अमेजन उसके लिए एक वेंडर सेंट्रल का अकाउंट ओपन कर देते हैं, और वेंडर सेंट्रल वालों के पास कुछ ज्यादा चंद चीजें, चंद अथॉरिटीज ज्यादा होती है। उनमें से एक ये कि वो किसी भी ब्रांड के ऊपर चाहे तो ईबीसी या ए प्लस कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसे सेलर हैं कि ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है और आपने ईबीसी लगवाना है और ब्रांड रजिस्ट्री आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो उस शक्ल में आप किसी ऐसे सेलर को, ऐसे वेंडर को ढूंढेंगे जो कि नॉर्मली आपको फ्रीलांसिंग, फाइवर या अपवर्क में मिल जाएंगे। उनको ढूंढ के आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपका ईबीसी अपलोड कर दें। ईबीसी क्रिएट करना और ईबीसी अपलोड करना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ईबीसी क्रिएट करना मतलब वो हम उसको दूसरी वीडियो में भी कवर किया जा चुका है। क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप एक्चुअल इमेजेस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर है कि ईबीसी का यहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया गया, यहाँ पे टाइटल और सारी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई। ये लिखना वर्ड की शक्ल में लिखना या किसी भी और फॉर्मेट में लिखना, इस तरह लिखना ये कॉपीराइटर का काम है, और कॉपीराइटर इस तरह लिखता है। उसके बाद कॉपीराइटर के बाद ग्राफिक डिजाइनर उसकी इस तरह इमेजेस बना देता है, जो कि एक बड़ी स्कैटर्ड सी फॉर्म में अलग अलग इमेजेस होती हैं, और उनको फिर एक टेम्पलेट की शक्ल में इस तरह दिखा देता है, रिप्रेजेंट कर देता है कि अमेजन पे जब ये अपलोड करेंगे तो उसकी शक्ल क्या होगी। सो ये उसकी फाइनल फॉर्म, फाइनल शक्ल उसकी ये वाली होगी। तो ये चीज ईबीसी क्रिएट स्क्रैच से करना, उसकी इमेजेस बनाना, उसका डाटा लिखना, उसका कंटेंट लिखना, ये सारा ईबीसी क्रिएशन है, और फिर इसको अपलोड करना है अमेजन पे, ये एक दूसरी चीज है। नॉर्मली आप जब अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को नॉर्मली पता होता है कि किस तरह अपलोड करते हैं, और वो अपलोड करने के लिए आपको एक्सेस भी नहीं देता। वो सिंपली आपसे ये कहता है कि ईबीसी बनाना है या ए प्लस कंटेंट बनाना है, जिसमें अगर आप कॉपी राइटर हैं तो आप इस तरह कॉन्टेंट लिखते हैं और कोलेबरेट करते हैं अपने ग्राफिक डिजाइनर के साथ, या अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो आप कोलेबरेट करते हैं कॉपी राइटर के साथ। कॉपी राइटर इस तरह कॉपी लिखता है प्रोडक्ट की जो चीजें चाहिए, और डिजाइनर उनकी इमेजेस बना देता है। अभी हम थोड़ी देर में इनको अपलोड करके देखेंगे कि अपलोड किस तरह की जाती है, लेकिन उससे पहले चंद एक चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और वो चीजें आप नोट कर लीजिए। जब आप अपना ईबीसी बनाए तो मेक श्योर ये करें कि जो कंटेंट राइटर है, जो ग्राफिक डिजाइनर है, इन दोनों की आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होगी उतना ही आप अच्छा ईबीसी बना सकेंगे।
और चंद एक चीजें जो आप नहीं कर सकते कभी भी आप ईबीसी में, यस आप ब्रांड नेम तो मेंशन करेंगे, ब्रांड नेम आपने मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ब्रांड नेम इज आइकन, सो वो मेंशन है, अदरवाइज आप अपनी कंपनी की डिटेल नहीं मेंशन कर सकते, कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस मेंशन नहीं कर सकते, कंपनी का एड्रेस मेंशन नहीं कर सकते ईबीसी में, आप कोई प्रमोशन के बारे में यहाँ मेंशन नहीं कर सकते, कोई ऐसी आप प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट की, आप अपनी शिपिंग डिटेल नहीं यहाँ पे मेंशन कर सकते, आप किसी की इमेज कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पे कॉपी करके इमेज नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि बेस्ट आइटम, टॉप सेलिंग, हॉट सेलिंग आइटम, अमेजन नंबर वन आइटम, इस तरह का कोई क्लेम, या किसी और अगर स्पेशली कोई प्रोडक्ट आपकी इस तरह सप्लीमेंट है जैसे इस केस में ओमेगा 3, आप इस तरह का क्लेम नहीं कर सकते कि अगर ये मेडिसिन खाएंगे तो आप इतने जवान हो जाएंगे, सो ऐसा क्लेम नहीं आप कर सकते। और मेक श्योर ये करना है आपने कि आपकी इमेजेस क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए और ऑब्वियसली इमेजेस के साइज वो होने चाहिए जो अमेज़न आपको बताता है मॉड्यूल में। अभी हम मॉड्यूल में जाकर भी देखेंगे कि साइजेस किस तरह होते हैं और इन सारी चीजों को इनके ऊपर नजर डालेंगे। ईबीसी लगाने के लिए सिंपली आप अपने अकाउंट में जब साइन इन करेंगे अपलोड करने के लिए तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एडवर्टाइजिंग और उसके अंदर ऑप्शन होगा ए प्लस कंटेंट मैनेजर। यहां पर आप देख रहे हैं कि अमेज़न इस वक्त नीचे कुछ सजेस्ट कर रहा है, ऑल्दो के वो प्रोडक्ट्स आपको इस वक्त शायद वीडियो में नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें अमेज़न कह रहा है कि take the following actions to update existing or add new A+ content to potentially increase your sales by 5%. Basically, अगर यहाँ पे Amazon कह रहा है कि आप A+ content add करेंगे इन listings के ऊपर, तो chances हैं कि आपकी sale 5% तक बढ़ जाए। So ये चीज बहुत ज्यादा important है। 5% although यहाँ पे Amazon बता रहा है, लेकिन बाज़ जगह 6, 7, 8% up to 10% तक सेल इंक्रीज हो सकती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर एंड कैटेगरी पे, और 5 से कम भी हो सकती है, मे बी 1-3% भी। रफली अगर एस्टिमेट लगाएं तो 3-10% मैक्स, और एहतियातन अगर आप कुछ फिगर बताना चाहते हैं तो बिटवीन 3-7% आप कह सकते हैं इंक्रीज हो सकती है सेल। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इसी तरह अपने बायर को भी अपने क्लाइंट को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैसे तो आपका क्लाइंट जो आपसे ईबीसी बनवाना चाहेगा वो नॉर्मली कन्विंस्ड होके आपके पास आएगा और बनवाना चाहेगा, लेकिन सम केसेस में ऐसा भी होगा आप अपने क्लाइंट के लिए कोई एक काम कर रहे हैं, से गैलरी इमेजेस बना रहे हैं, तो आप उसको अपसेल के तौर पे ईबीसी की भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन रिमेम्बर, कभी भी डायरेक्ट ऑफर नहीं करनी, आपने ऑफर एक बड़े इस अंदाज में करनी है कि उसको ये ना लगे कि आप उसको एक एक्स्ट्रा चीज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो में कवर कर चुका हूं। ऑब्वियसली जब आपकी सेल इंक्रीज, आपकी कन्वर्जन इंक्रीज होगी, आपकी सेल इंक्रीज होगी, अगेन सेल इंक्रीज से ज्यादा ट्रैफिक आएगी, ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा सेल, ज्यादा कन्वर्जन, जो कि ईबीसी एक ट्रस्ट गेन करता है कस्टमर का, सो ये कन्वर्जन पे भी असर डालता है। सो ये सारी चीजें मिलकर आपकी लिस्टिंग में एक अच्छी खासी लिस्टिंग हेल्दी बन जाती है और आपको एक अच्छा खासा कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। सो सिंपली यहाँ पे आप या तो अपनी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर ईबीसी लगा सकते हैं डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर, या सिंपली पहले अपना ईबीसी क्रिएट कर सकते हैं और बाद में प्रोडक्ट के ऊपर अपना ईबीसी लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। सो अगर आप ईबीसी क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक ऑन द स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कॉन्टेंट। Once आप इसके यहाँ पर आ गए इस जगह, तो आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे एड मॉड्यूल का। एड मॉड्यूल पे क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स आ जाएंगे और मॉड्यूल के ऊपर टाइटल के नेम है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट और इस तरह ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये टाइटल का जो नेम है ऑब्वियसली ये हेल्प करता है कॉपीराइटर और ग्राफिक डिजाइनर के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर जिस तरह ये कॉपीराइटर ने यहाँ पे कंटेंट लिखा और साथ में हर कंटेंट के साथ मॉड्यूल का नेम लिख दिया, मॉड्यूल के हेडर का नेम, इस तरह ग्राफिक डिजाइनर को पता चल जाएगा कि कौन सी इमेज बनानी है, कौन से साइज की इमेज बनानी है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस
पहला मॉड्यूल है इमेज हेडर विद टेक्स्ट। सो ग्राफिक डिजाइनर को पता है कि ये वाला मॉड्यूल है, और ग्राफिक डिजाइनर ऑलरेडी अवेयर है कि इस मॉड्यूल के अंदर पिक्चर का साइज क्या है। हर मॉड्यूल के अंदर पिक्चर का साइज डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक स्क्वेयर और इसका साइज और होगा, यहाँ पे कोई और साइज है, इस जगह कोई और है, इस जगह कोई और इन जगह कोई और। सो ये पहले से पता होगा ग्राफिक डिजाइनर को इनके साइजेस का। सो पहला मॉड्यूल हमारा इमेज हेडर विद टेक्स्ट, जो कि हमारे कंटेंट राइटर ने यहाँ पे रिकमेंड किया और ग्राफिक डिजाइनर ने उसके मुताबिक पिक्चर्स बनाई। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद हमारे पास मॉड्यूल आ गया। आप देख रहे हैं कि मॉड्यूल में ऑल्दो के हमारी पिक्चर्स हमें शो कर रही है कि एक सिंपल ऊपर एक पिक्चर है, नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है, उसके बाद नीचे तीन पिक्चर्स हैं, जबकि इस मॉड्यूल में ऊपर एक हेडर भी आ रहा है, इमेज भी आ रही है और नीचे और कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक पिक्चर अपलोड कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और जिस तरह के हमें उस टेम्पलेट में दिखाया गया, हम अपना पहला अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इमेज के कीवर्ड हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओमेगा थ्री फिश ऑयल कैप्सूल। और बाकी की जगहों को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। जब हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो हमारा फाइनल जो फाइनल अपीयरेंस होगी, फाइनल लुक जो होगी वो इस तरह की होगी हमारी। इस तरह हमारे पास सेकंड मॉड्यूल जो कि है मॉड्यूल स्टैंडर्ड थ्री इमेजेस एंड टेक्स्ट। तो अगर यहाँ पे क्लिक करें तो टाइटल में देखें स्टैंडर्ड थ्री इमेजेस, वेल इट्स एक्चुअली फोर, स्टैंडर्ड फोर इमेजेस एंड टेक्स्ट, सो इट शुड बी दिस वन। इन मॉड्यूल्स के अंदर स्लाइटली आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है। आप कोई नया मॉड्यूल तो नहीं बना सकते, लेकिन ये जो अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं, इन्हीं मॉड्यूल के अंदर आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फोर इमेजेस हैं, यू कैन हैव थ्री इमेजेस, और जब तीन इमेजेस होंगी तो आपका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह नजर आएगा। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और अपने इसके मुताबिक एनर्जाइज योर बॉडी, हमारा पहली इमेज, उसका ये हेडर हेडलाइन और इसी तरह उसकी ये नीचे डिस्क्रिप्शन, इसी तरह हम दूसरा टाइटल कॉपी कर लेंगे और इसी तरह दूसरे टाइटल की डिस्क्रिप्शन और इसी तरह तीसरे का भी हेडर और डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे हम इमेज अपलोड कर देंगे जैसा कि हमें इस जगह नजर आ रही है। एनर्जाइज के लिए हमारे पास ये इमेज है और यहाँ पे भी क्विकली जो भी एंटी एजिंग कैप्सूल्स समथिंग अपना कीवर्ड ऐड कर देंगे और इसी तरह आगे भी हम अपनी इमेजेस ऐड कर देंगे। तो इसी तरह ये कंप्लीट ए प्लस कंटेंट नीचे मॉड्यूल है। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है स्टैंडर्ड सिंगल इमेज विद साइड बार, जो कि हमारे पास है स्टैंडर्ड सिंगल इमेज विद साइड बार, विच इज जो कि ये वाला मॉड्यूल बनता है। तो इसी तरह आप मॉड्यूल्स ऐड करते जाएंगे और उनमें उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इमेजेस ऐड करते जाएंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर मॉड्यूल में इमेजेस का साइज यहाँ पे अमेज़न बता रहा है आपको कि साइजेस क्या होना चाहिए। आपकी आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि हर मॉड्यूल को इंडिविजुअली यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि ग्राफिक डिजाइनर इनके साइजेस यहाँ से देख सके और जब कभी कस्टमर का ऑर्डर आए तो आप यहाँ से साइजेस देख सकें और उसके मुताबिक इमेजेस बना सकें। सो फॉर नाउ मैं इन मॉड्यूल्स को, आपको अंदाजा हो गया कि किस तरह अपलोड करते हैं। इट इज नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस, इज सिंपली आपने अपलोड करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और मैं यहाँ इनको वन बाय वन करके ऐड करूंगा ताकि आप लोग यहाँ से साइजेस देख लें। सो पहला साइज तो आपको यहीं पे नजर आ रहा है 600x180। दिस इज फॉर ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताता चलूं बिफोर मैं इनके साइजेस बताऊं। आप अपने जब क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करें तो क्लाइंट से अपने पूछ लें कि
आपके क्लाइंट को किस किस्म का ईबीसी पसंद है, उसे अपने क्लाइंट से कहें कि आपको वो ईबीसी दिखाए जो उसको पसंद है। उसको ये कहें आप कि इस ईबीसी में से फॉर एग्जांपल वो आपको एग्जांपल के तौर पे ये ईबीसी दिखाता है कि उसको ये पसंद है, आप उससे पूछें इसमें कौन सी चीज पसंद है, वो कहे कि मुझे इसमें ये बड़ा पसंद है जो इसकी एक बिग सी इमेज है, देन ऑब्वियसली जब वो इस तरह कहेगा देन यू नो कि कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल करना है। जब वो कहेगा कि मुझे ये वाला नीचे वाला आइडिया बड़ा अच्छा लगा है, देन यू नो कि डिजाइन ईबीसी किस तरह करना है। कंटेंट राइटर इसके मुताबिक राइट करेगा और ग्राफिक डिजाइनर भी इसके मुताबिक डिजाइन करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। अगर यहां पे क्लाइंट कहता है कि उसको ये वाला मॉड्यूल, ये वाला उसको ईबीसी पसंद है, then obviously it's quite similar as from the same company. Let's try another one. Let's try this one. If there's any, well, there's no EBC here. This is just a plain description. Again, आपके पास एक description simple होती है, एक HTML होता है, और उसके अलावा आपके पास जो है ईबीसी का ऑप्शन होता है। सो लेट मी फाइंड अनदर वन, लेट मी पॉज दिस वीडियो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। या फॉर एग्जांपल दिस वन, आपका क्लाइंट कहता है कि उसको ये चीज बड़ी पसंद है जो इस तरह एक डिफरेंट तरह से इसने ये मेंशन किया है, ये उसको बड़ा अच्छा लगा है, और उसको उसके बाद उसको ये चीज बड़ी अच्छी लगी है जो कंपनी का एंड पे अबाउट किचन क्राफ्ट कंपनी ब्रांड के बारे में कुछ बताया गया है, सो फुटर उसका ये बहुत अच्छा है। सो इस तरह आपका क्लाइंट आपको आइडिया दे सकता है, और आपको आइडिया हो सकता है किस तरह, कॉपीराइटर को आइडिया हो सकता है उसने लिखना किस अंदाज में, किस मॉड्यूल के हिसाब से लिखना है, और डिजाइनर उस मॉड्यूल के हिसाब से डिजाइन करेगा। सो बैक टू आवर मॉड्यूल, इसमें पहले में आपको साइजेस पता चल गया। दूसरा हमारे पास है इमेज हेडर विद समथिंग विद टेक्स्ट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक हेडलाइन टेक्स्ट का है, उसके बाद यहाँ पे साइज आपको नजर आ रहा है 970 बाय 600 पिक्सल्स, और नीचे इसके ये वाले मॉड्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। दूसरा मॉड्यूल को देख लेते हैं, उसमें एक साइड पे इमेज है, नीचे ये एक बड़ा अमेजिंग मॉड्यूल है, इसमें यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं, और जब आप इन पिक्चर्स को ऐड करेंगे और इनको आप जब ये लाइव कर देंगे, एक्टिव कर देंगे इसको, इस मॉड्यूल को, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेन पिक्चर आ रही होगी इस जगह, और नीचे से आप पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे पिक्चर एक चेंज हो रही होगी जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होंगे। एक बड़ा इंट्रैक्टिव सा ईबीसी यहाँ पे बन जाएगा कि कस्टमर उसके साथ इंट्रैक्ट कर सकेगा, जो कि एक बड़ा अच्छी फील देता है। यहाँ पे भी आप साइजेस देख रहे हैं, और इस इमेज का साइज देखने के लिए अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इनके साइजेस भी सबके 300 ही हैं। यहाँ पे जितनी इमेजेस यहाँ पे अपलोड करेंगे उनके 300 साइजेस होंगे। उसे नेक्स्ट मॉड्यूल पे चले जाते हैं हम, और ये तो सिंपल प्लेन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, देयर इज नो इमेज, सो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड कंपैरिजन चार्ट है। कंपैरिजन चार्ट में मेक श्योर कंपैरिजन, आपने कभी भी अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग को कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा अपनी ही लिस्टिंग्स को आपने आपस में कंपेयर करना है। सो यहाँ पे आप कंपैरिजन चार्ट बना सकते हैं। कंपैरिजन चार्ट में यहाँ पे आप इमेजेस के साइज देख रहे हैं, यहाँ पे अमेज़न आपको बता रहा है कि कंपैरिजन मैट्रिक्स मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपैरिजन आ रहा है इसमें ब्रीड, टेम्परेचर, जॉब स्किल्स, इस तरह ये इनको अमेज़न बोल रहा है कि ये मैक्स आप 10 तक इस तरह के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड 4 इमेजेस, इसमें इमेज का साइज ये आएगा। उसके अलावा उससे नेक्स्ट हमारे पास ये वाली आ गई, इसमें इमेजेस का साइज ये है। उससे नेक्स्ट हमारे पास ये वाला, इसमें इमेज का साइज जो है वो ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो ये वाला साइज है इसमें इमेज का।
और टेक्स्ट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ये एक प्लेन इस टेक्स्ट के बगैर इमेज आ जाएगी। ये ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के साइजेस सेम है, सो इसको व्हाइट को मैं यहाँ से स्किप कर दूंगा। उसके बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड सिंगल इमेज एंड हाईलाइट, इसमें साइजेस देख लेते हैं। इसमें 300 का साइज है, यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी। उससे नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया। उससे नेक्स्ट ये वाला, इसमें यहाँ पे आप साइजेस देख सकते हैं। उससे नेक्स्ट ये दिस वन, इसमें आप साइजेस देख सकते हैं, स्टैंडर्ड सिंगल इमेज एंड स्पेक्स डिटेल, ये वाला साइज है इसमें। उससे नेक्स्ट स्पेक्स डिटेल दिस वन, स्टैंडर्ड सिंगल लेफ्ट इमेज, उसके अलावा स्टैंडर्ड सिंगल लेफ्ट, स्टैंडर्ड सिंगल राइट इमेज। आई गेस साइज सेम ही होगा दोनों का, यस। और मैक्सिमम इस तरह आप 7 मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेट्स जस्ट डिलीट ऑल ऑफ देम और बाकी के मॉड्यूल्स का भी साइजेस देख लेते हैं। बाकी के मॉड्यूल्स डन दिस, दिस इज जस्ट अ प्लेन टेक्स्ट। सो दिस वन, यहाँ पे भी ये साइजेस और नीचे इस तरह टेक्स्ट, एंड फाइनल वन एज दिस, जहाँ पे अगेन को पिक्चर नहीं है, बस आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। सो ये सारी मॉड्यूल्स को मैंने इंडिविजुअल आपको करके दिखा दिया। किसी भी जगह आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और वहां से देख सकते हैं इंफॉर्मेशन सारी। जब आपका क्लाइंट आपसे कोई ईबीसी बनवाना चाहे तो आपको पता होना चाहिए एज अ ग्राफिक डिजाइनर के कौन सी कौन से मॉड्यूल में कौन सा साइज जाएगा, ताकि आप उसके मुताबिक पिक्चर डिजाइन कर सकें। और एज अ कॉपी राइटर आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल की शक्ल किस तरह की है, उसका डिजाइन कैसा है, ताकि उसके मुताबिक आप डाटा कंटेंट राइट कर सकें। ये ना हो कि आप टू मच डाटा राइट करते हैं या जहाँ पे बुलेट पॉइंट करने हैं वहां पे आप एक पैराग्राफ कर दें, तो इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। वंस आपका ईबीसी क्रिएट हो जाए, सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट अप्लाई एसन, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और इस कॉन्टेंट को नेम दे सकते हैं, टीजी मास्टर प्रोडक्ट ए प्लस कॉन्टेंट आप इसको नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई पे क्लिक करें, जो इसी सेशन पे भी आपने अप्लाई करना है वो एसन सेलेक्ट करें और आपका ईबीसी जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जरूरी नहीं फौरन एक्टिव हो, पास केसेस में फौरन एक्टिव हो जाता है, पास केसेस में अमेज़न फ्यू डेज फ्यू आवर्स भी ले लेता है और सम टाइम फ्यू डेज भी ले लेता है, और मैक्सिमम अप टू 7 डेज ले सकता है अमेज़न। सो इन केस अगर आपका ईबीसी फौरन अपीयर नहीं हो रहा तो इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इशू की बात नहीं है। और एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये देखना है कि कोई उसमें एरर ना आ गया हो। अगर कोई एरर है तो मेक श्योर आप उस एरर को फिक्स कर लें, और वंस आप उस एरर को फिक्स कर लेंगे आपका एबीसी दोबारा से अप्लाई हो जाएगा और फिर अगर अप्रूव हो जाए तो वो थोड़ी देर के बाद एक्टिव हो जाएगा।